इन पंक्तियों को आपने पढ़ा, इन पंक्तियों पर मैं थोड़ी देर बाद जो है आपका ध्यान ले जाऊंगा और इनका अक्षर सा मतलब भी आपको समझाऊंगा। अभी मैं भविष्य के उपनिरीक्षकों को संबोधित कर रहा हूं, आप सभी लोगों का टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं रवि तिवारी स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको शेयर करूंगा आपके चयन से संबंधित, और जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें आज ही मैं एक पार्ट कैलेंडर का और एक पार्ट क्लॉक का आपको इस प्रकार पढ़ा के जाऊंगा, इस तरीके से उस पार्ट को पढ़ाऊंगा कि पिछले 3 वर्षों में लगातार जो प्रश्न आपके कैलेंडर क्लॉक से एक एक पूछे जा रहे हैं, उन 2 से 3 प्रश्नों को आज के ही वीडियो में आप तैयार कर लेंगे। पहले मैं कुछ बातें आपसे करता हूं। जैसे कि आप लोग इंतजार कर रहे थे गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी 3 वर्ष बाद आपके सामने है। जैसे कहा गया है, अपॉर्चुनिटी नॉक एवरी वन डोर्स एट वन, सफलता एक बार व्यक्ति का दरवाजा जरूर खटखटाती है। शायद ये वही समय है। 5000 से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या है। नवंबर में आपका एग्जाम है। मैं एकदम विश्वसनीय सूत्रों से बता रहा हूं कि नवंबर में आपका एग्जाम है। आप एक दिन भी अपना जाया ना करें, क्योंकि यूपीएसआई का उपनिरीक्षक का जो आपका एग्जाम है उसके एक अपने स्तर हैं। आपने प्राचीन मतलब इस आपने इससे पहले के आपने पेपर्स को देखा तो पेपर सामान्य नहीं है, एक स्टैंडर्ड लिए हुए हैं, और उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई करने के लिए कम से कम आपके पास 75 से 80 दिन का समय होना चाहिए। नहीं तो फिर वही बात होती है, सर हम 1 नंबर से रह गए, हम 2 नंबर से रह गए, है ना। तो ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। आपने वर्दी पहनने का जो सपना सजोया था, आपने सपने में जिस खाकी वर्दी को देखा था उसको पहनने का सही समय आया है। तो इसके लिए आपको 75 से 80 दिन एक मेहनत करनी है, पढ़ाई लिखाई की मेहनत पहले करनी है, शारीरिक दक्षता उसके बाद है फरवरी में। लेकिन अगर आप पास नहीं हो पाए तो शारीरिक दक्षता के काम के नहीं रहेंगे। अब इन लाइनों पर विचार करिए। आपको मालूम है, पहले इन लाइनों की मैं एक भूमिका छोटी सी आपको समझाना चाह रहा हूं। आपको मालूम है कि इस्लाम में अल्लाह या खुदा की कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती, इसको गलत माना गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो इतने सुंदर थे कि उनकी कल्पना करना साकार ही नहीं था। तो उस पर ये 2 लाइनें लिखी हैं किसी ने, बहुत मोटिवेटिंग है, देख लीजिए। हर तलबगार, तलबगार का मतलब होता है डिजायरेबल पर्सन। क्या होता है? डिजायरेबल पर्सन, जो इच्छा रखता हो। हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है। सिला का मतलब होता है फल, रिजल्ट। डिजायरेबल पर्सन, हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है। बुत, बुत का मतलब होता है मूर्ति, क्योंकि खुदा की कोई मूर्ति नहीं है, है ना, ना बनाई जा सकती है। हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है, बुत तो क्या चीज है, मेहनत से खुदा मिलता है। हमें मूर्ति की क्या जरूरत है, अगर हम प्रयास करें और सच्चे मन से प्रयास करें तो साक्षात खुदा, साक्षात खुदा हमें मिल सकता है। क्लियर है? तो ये लाइनें हम चरितार्थ करने के लिए आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने यूपीएसआई का जज्बा पाला है, अगर आपने यूपीएसआई का सपना देखा है, तो ये सही समय है उस प्रक्रिया में आगे बढ़ने का। टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लगातार आपको इसकी जानकारी दे रहा है कि हमारे यहाँ प्रवेश प्रारंभ है, लेकिन अब आप उस प्रक्रिया के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। अगर आपने अपने प्रवेश को सुनिश्चित नहीं कराया है तो आजकल में करा लें, क्योंकि हो सकता है ये मौका आपको फिर ना मिले। एक बात, दूसरी बात, एक विषय विशेषज्ञों की टीम, स्वयं मैं हूं, मैं अपने आप को तो विषय विशेषज्ञ नहीं मानता, आप लोग मुझे चाहते हैं तो मैं टीम में हूं। सन्नी इंजीनियर संदीप तिवारी, अमरीश सर, संतोष सर, शेखर सर, गौरव सर, रमेश सर, और मूल विधि और संविधान के लिए हमने आपकी अलग से व्यवस्था की है, BHU से लॉ ग्रेजुएट अटल जी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जिनका 15 वर्ष PCSG और कंपटीशन पढ़ाने का अनुभव रहा है, और वो उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा इस समय कर रहे हैं, संजय सिंह जी, वो स्वयं यहां पर आएंगे और आप लोगों को इस बारे में जानकारी देंगे। और मूल विधि और संविधान के जो हिस्से हैं, तो मूल विधि का जो हिस्सा है और लीगल एप्टीट्यूड के जो हिस्से हैं उनको आपसे शेयर करेंगे। तो हम किसी सामान्य व्यक्ति से आपको ये चीजें नहीं कराना चाह रहे हैं, संविधान के हिस्से को तो संतोष सर पढ़ाएंगे। क्लियर? तो क्योंकि अगर वो विशेषज्ञता है तो उसमें कोई विशेषज्ञ व्यक्ति ही आके आपसे डील करे, और मैं चाहता हूं कि अगर 12 प्रश्न आते हैं तो 1 प्रश्न भी आपका गलत ना हो। उत्तर प्रदेश, करंट अफेयर्स और रीजनिंग, लगभग 65 प्रश्नों की जिम्मेदारी मैंने स्वयं अपने कंधों पर उठाई हुई है, और आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्वास के साथ मैं आपको हल करा दूंगा।
कुछ सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए, जो हमारे लिए जरूरी होती है परीक्षा के समय में, पहले मैं आपको उन सावधानियों की उल्लेख चलता हूं कि क्या क्या सावधानियां हमें परीक्षा में बरतनी है। हम कोई निर्णय ले रहे हैं, जब हम कहीं तैयारी के लिए निर्णय के लिए जा रहे हैं तो कुछ चीजों का होना जरूरी है। आइए कुछ दो तीन बिंदुओं पर चर्चा करते हुए तुरंत फिर पढ़ाई लिखाई की ओर बढ़ते हैं और क्लॉक और कैलेंडर के उस हिस्से को आपको तैयार कराते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, प्रवेश प्रारंभ है, कुछ समय रह गया है, इसलिए अब देरी मत करिएगा। फिर मत कहिएगा मैसेज करके कि सर हमें मौका नहीं मिला। आपको इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करना है, तुरंत उठाइए, अब देर मत करिए। और आप व्हाट्सएप इसको अपने मोबाइल में सेव करिए और व्हाट्सएप पर एंट्री यूपीएसआई लिख के भेज दीजिए। जैसे ही आप एंट्री यूपीएसआई लिख के भेजेंगे, आप हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़ जाएंगे और हमारी टीम तुरंत आपसे संपर्क करेगी, आपको प्रक्रिया बताएगी। प्रक्रिया अभी चल रही है और एकदम आप देरी मत करिए। एक बात, दूसरी बात, प्रवेश लेने के बाद देखिए मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। आपका ज्ञान समय के साथ है कि नहीं, इस बिंदु पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो 14 से 15 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, वो चयनित नहीं होते। वो डेली 14 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होते। क्यों सिलेक्ट नहीं होते? क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो टाइम के साथ नहीं है। अगर आपकी नॉलेज टाइम के साथ नहीं है तो ये आपके लिए केवल और केवल नुकसान पहुंचाएगी। टाइम के साथ नॉलेज होने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपको 30 मिनट में 40 प्रश्न रीजनिंग के करने हैं और 30 मिनट में आप 40 प्रश्न रीजनिंग के ना करके सब कुछ आप रीजनिंग में जानते हैं और इस रीजनिंग के प्रश्नों को आप 30 मिनट में हल ना करके मान लीजिए इन 40 प्रश्नों को आप 70 मिनट में हल कर रहे हैं, तो ज्ञान तो आपको है लेकिन आपका ज्ञान समय के साथ नहीं है। क्योंकि अगर 160 कुल प्रश्न है और आपने एक सेगमेंट को हल करने में 70 मिनट ले लिए तो मैं वादा करता हूं बात के 40 प्रश्न आप पूरे नहीं पढ़ पाएंगे। और इस कंपटीशन के जमाने में आपने देखा कि पिछले पेपर में जब 50 क्वालिफाइंग था, आप लोग ना तो पूरे प्रश्न कर पाए और ना ही ठीक से क्वालिफाई कर पाए। अफसोस आपको बाद में होता है कि काश हमने किसी अच्छी जगह अच्छे एक्सपर्ट से पढ़ाई की होती तो हम कर जाते। मैं आपको बताता हूं कि एक कॉन्सेप्ट है थिंक विदाउट थिंक, आज मैं इस पर बात करूंगा। थिंक विदाउट थिंक, बिना फॉर्मूले के कैसे आप सीक्वेंस में ऑप्शन से सवाल को चेक करके लगाते हैं। जो लोग चयनित होते हैं वो हार्ड वर्क नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। 15 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आप 3 ही घंटे में 15 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन उस पढ़ाई लिखाई की दिशा आपकी एकदम सही और सटीक होनी चाहिए। यहीं पर एक अच्छा संस्थान, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मेंटर आपके काम आता है और वही जो 10 12 15 नंबर वो बढ़ा देता है उसे ही आपके 2 स्टार लगा देता है और आप याद करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ जो थे, मेरे जो पढ़ाए हुए थे यूपीएसआई, आज चयनित है, लखनऊ में है, हर जगह है, आज मुझे फोन आता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। वो कहते हैं सर एक सटीक जो रणनीति हम लोगों ने मिलकर बनाई थी उससे हम सफलता तक पहुंचे। दूसरी बात लिखा है, पाठ्य सामग्री का चुनाव परीक्षा केंद्रित है कि नहीं। मान लीजिए इतना बड़ा सिलेबस है और आपको इतना पढ़ना है, मान लीजिए अगर 100 भाग हैं तो आपको 20 भाग ही तो पढ़ने हैं। ये 20 भाग या तो आप देख लीजिए या फिर हमको देखने दीजिए। अब इन 20 भाग को आप किताब पुस्तकों से छांटेंगे, हम ये पाठ्य सामग्री जो नोट्स है वो आपको इतना सिलेक्टेड नोट्स देते हैं। हम 2 प्रकार के नोट्स देते हैं, एक तो हम आपको पीडीएफ नोट्स देते हैं जो प्रिंट होता है और एक हमारे टीचर्स के बने हुए क्लास नोट्स, जो भी बच्चे जो है हमारे बैच में पढ़ते हैं आप उनसे पूछ लीजिए, टीचर्स के हाथ से बने हुए क्लास नोट्स आपके पास जाते हैं और वो क्लास नोट्स जो होते हैं उनको टीचर स्वयं लिखता है हमारे संस्थान में और वो इतने मारक होते हैं कि वो प्रश्नों के बहुत आसपास होते हैं, आपका प्रश्न छूटने नहीं देते। तो पाठ्यक्रम सामग्री का चुनाव सही है कि नहीं, वो परीक्षा केंद्रित है कि नहीं, इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। अगली बात मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस श्रृंखला टेस्ट सीरीज स्तरीय है कि नहीं। हमने प्रोग्राम बनाया है कि 7 से 10 प्रदेश स्तरीय टेस्ट सीरीज आपको देंगे। मान लीजिए जिस मटेरियल से आप आकलन कर रहे हैं अपना, वो कट कॉपी पेस्ट है कि नहीं। जब यहां पर आप पढ़ेंगे तो विषयवार आपको 250 प्रश्नों की तो एक श्रृंखला दी जाएगी प्रत्येक विषय से,
जो संभावित है, चाहे वो मूल विधि के 250 प्रश्न हो, चाहे वो संविधान के अलग से 250 प्रश्न हो, चाहे वो रीजनिंग के प्रश्न हो, एक प्रत्येक चैप्टर के साथ में 100 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, उस सीट को आपको सॉल्व कराता हूँ, और फिर मैं एसआई के वो प्रश्न सारे हल आपको कराता हूँ जो प्रश्न आपके परीक्षा में आए हुए हैं, और इसके बाद आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी प्रकार प्रत्येक टीचर करता है। तो पहले तो 250 प्रश्न की विषय बार प्रैक्टिस, और उसके बाद 7 से 10 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज आपकी इसी पैकेज में शामिल है। तो आपको यह देखना है कि जो प्रैक्टिस श्रृंखला या टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस श्रृंखला का मतलब प्रश्न है, और टेस्ट सीरीज जो है उसका जो चुनाव है वो स्तरीय है कि नहीं, क्योंकि मार्केट में जो मटेरियल आता है वो कट कॉपी पेस्ट होता है बिक्री बढ़ाने के लिए। आइए अगला, जब आप अध्ययन कर रहे हैं प्रतिदिन, तो उस प्रतिदिन के अध्ययन में वर्दी पहनने का जज्बा है कि नहीं, आप गौर से देखिए। अगर 80 से 85 दिन का समय है तो 10 दिन तो आपकी बीमारी के और आपकी व्यस्तता के लिए निकाल दूं अगर मैं, तो आप गौर से देखिए, आज से आपके पास केवल 70 से 75 दिन बचा है। 70 से 75 दिन प्रत्येक दिन जब आपके अंदर ये जज्बा आएगा कि हाँ हमें वर्दी पहननी है, हाँ हमें मेहनत करनी है, हम आपको डेली रिचार्ज करेंगे, हम आपको डेली बताएंगे कि आपको इस दिशा में पढ़ना है, हम आपसे कहेंगे कि सबको छोड़ के इस दिशा में प्रैक्टिस करिए, आज आपका ये होमवर्क है, कल आपको ये आंसर करना है, तो 3 से 4 हजार बच्चों के ग्रुप में आपको एक कंपटीशन का, एक परीक्षा का, एक परीक्षा को पास करने का वो माहौल मिलता है, एक जद्दोजहद होती है। पहले आप अगर इन 4 हजार लोगों में टॉप कर गए, क्योंकि जब आप इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं पूरे उत्तर प्रदेश से 4-5 हजार लोग आपके पास पढ़ेंगे, केवल आपके जिले से नहीं पढ़ेंगे। आपका ये कंपटीशन है कि अगर आप उस ग्रुप में टॉप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में भी टॉप कर जाएंगे। अगर आप अपने ग्रुप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं तो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आपको ये माहौल देता है। आप एक वीडियो को कई बार देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लाइव नहीं देख पाए, आपको रात में समय मिला, आप रात में देख लीजिए। सबसे अच्छे शिक्षकों की टीम है, ऐसा भी नहीं है कि कोई और कहीं से भी आपको पढ़ा रहा है। ऑफलाइन में गए, बात मुंह से निकली, बाढ़ की तरह चली गई, समझ में नहीं आया तो काम खत्म हो गया। लेकिन ऑनलाइन में कई बार पूछिए, डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछिए, लाइव पूछिए, हम लोग आपको उत्तर देते हैं, समझाते हैं। जब तक सब लोग ये नहीं कह देते कि हाँ सर सब ठीक है, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ते। तो अच्छी पाठ्य सामग्री, अच्छी लाइव क्लासेज, डेली 4 से 5 क्लासेज, बढ़िया पीडीएफ नोट्स, परीक्षा केंद्रित जो है, एक जज्बा, एक उम्मीद, और सही दिशा में आपका मार्गदर्शन, और आपका ज्ञान जो समय के साथ है, उस समय के साथ ज्ञान को, जैसे मैं आगे बताना चाह रहा हूं कि जिस रीजनिंग के एक सवाल को आप 1.5 पेज में क्लॉक के सॉल्व करते हैं, मैं अभी हाल आपको सिखाता हूं कि कैसे हम उसको पलक झपकते 2 सेकंड में उस सवाल को लगा सकते हैं। एक हिस्सा में कैलेंडर का भी आपको समझाता हूं, क्लॉक का, तो आपको ये एहसास होगा कि हाँ वास्तव में 2 से 3 सेकंड में सवाल लगाया जा सकता है, हम लोग फालतू में ही परेशान हुए। तो ऐसा मैं केवल रीजनिंग में बता रहा हूं, यही स्थिति मैथ की भी है, और सभी सब्जेक्ट को इस तरीके से समझाया जाता है कि आपको याद हो जाते हैं। तो ये कुछ सावधानियां आपको यहां पर बरतनी है, और जुड़िए। मैं वो सभी लोग जो नहीं जुड़ रहे हैं, हम लोग उनके लिए भी समय समय पर जो है आते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे, लेकिन जो लोग जुड़ रहे हैं मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि उनको चयन तक हम लोग पहुंचाएंगे। इस बार हम लोगों ने एक नया बीड़ा उठाया है। पिछले 2 वर्ष से हम लोगों ने कई बैच स्टार्ट किए, खूब सिलेक्शन हुए, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, लोगों ने बताया सर 120 तक नंबर हमने पाया है, करंट में पूरा आया, पूरा फंसा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस बार ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, टारगेट बृथालुग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट और हमारी टीम ने जज्बा उठाया है कि इस बार हमें यूपीएसआई में टॉप रैंकर चाहिए। इसका मतलब हम केवल अब आपको चयनित करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के अंदर अगर ये जज्बा है तो हमें टॉप रैंकर चाहिए। हम पहले 5 में 2 या 3 पोजिशन टारगेट विथ आलोक से चाहते हैं। अगर आप लोग हमारे पास मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मैं वादा करता हूं 100%, आप देख लीजिएगा 130-35 से 40 प्रश्न में यहां से लेके आपको दूंगा, और निश्चित रूप से आप लोग चयनित होंगे। ये मेरा वादा रहा, ना केवल चयनित होंगे बल्कि टॉप रैंक में आप लोग आएंगे। तो इस बार हमारा लक्ष्य यूपीएसआई को पास करना नहीं है बल्कि टॉप रैंक होल्ड करना है, जब हम भी कह सकें कि हमारे विद्यार्थी जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे टागवाल, उन्होंने टॉप किया है, वो फर्स्ट रैंक लाए हों उत्तर प्रदेश में।
ऐसे जज्बे के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो आइए शुरुआत करता हूं मैं उस हिस्से की जिसका आप इंतजार कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करता हूं। और मेरे बाद इस वीडियो में अभी पहले आपको मैं बता रहा हूं, फिर मैथ की भी जबरदस्त क्लास है, संदीप सर भी आएंगे और वो भी आपको बताएंगे। तो आप देखिए और आप आकलन करिए कि आप किस तरीके से पढ़ने वाले हैं और कैसे चीजें होती हैं। आइए शुरुआत करते हैं उस हिस्से की जो पढ़ाई लिखाई का है। एक मैं आपको टॉपिक क्लॉक में सॉल्व करा रहा हूं और एक टॉपिक मैं आपको कैलेंडर में सॉल्व करा रहा हूं, और दोनों ही टॉपिक के माध्यम से मैं बताता हूं कि कैसे थिंक विदाउट इंक का कॉन्सेप्ट लागू होता है और कैसे आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आपके पढ़ने की सही दिशा क्या होनी चाहिए, है ना। कैसे हम थिंक विदाउट इंक कॉन्सेप्ट से, जैसे मान लीजिए कोई जब परीक्षाओं की प्रवृत्ति आज के समय में ऐसी हो गई है कि क्वेश्चन ज्यादा है समय कम है, तो इसका मतलब प्रश्नों की प्रवृत्ति भी ऐसी होगी कि उनको उस तय समय में हल किया जा सकता है, आसानी से हल किया जा सकता है। जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो यही करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे यूपीएसआई में आपके जो प्रश्न आते हैं तो रीजनिंग के कुछ सवाल आपके थिंक विदाउट इंक कॉन्सेप्ट पर होते हैं। कुछ सवालों की प्रवृत्ति तो अच्छी होती है, जैसे मान लीजिए मशीन इनपुट है, इनइक्वालिटी है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स है, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स है, लीगल रीजनिंग है, आपकी लीगल रीजनिंग को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो आपकी पुलिसिया अभिरुचि है, पुलिसिया मानसिक अभिरुचि है, उसको मैं ऐसे तरीके से आपके पढ़ाऊंगा कि प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, मेरा वादा है आपसे। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि अगर हमने इस पेपर में 20 से 25 प्रश्न भी थिंक विदाउट इंक कॉन्सेप्ट से कर लिए, तो आप उन हजारों लाखों लोगों से आगे हैं जो बेसिक मेथड्स को यूज करते हैं। हमें बेसिक मेथड से दूर रहना है। विस्तृत चर्चा तो मैं क्लासरूम में करूंगा, लेकिन जो लोग भी आज का वीडियो मेरा देख रहे हैं वो निराश नहीं होंगे, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा सिखा जाऊंगा कि आप याद रखेंगे कि हाँ आप आज की क्लास को कुछ सर ने हमें बताया था। आइए तो क्या है थिंक विदाउट इंक कॉन्सेप्ट, आइए पहले तो इस पर बात कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप क्लॉक में एक सवाल हमेशा देखते हैं, 0 डिग्री का कोण, या जिसको आप कहते हैं 0 डिग्री ओवरलैपिंग, या पूरी ओवरलैपिंग ही आज आप समझ लीजिए मुझसे, मैं आपको समझाता हूं क्या है 0 डिग्री का कोण इस क्लॉक में, या अति वापन हम किसको कहते हैं। तो दो सुइयां जब परस्पर एक घड़ी के डायल में एक दूसरे के साथ गति करती हैं, घूमती हैं, तो उनके बीच में जो तीन तरह के कोण बनते हैं उनको तो हम कहते हैं अतिव्यापन। ये जो अतिव्यापन के तीन कोण है ओवरलैपिंग के, इनको हम कहते हैं 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। अब 0 डिग्री बहुत आसान है, जैसे मान लीजिए मैं एक अगर आपको अतिव्यापन सिखा दूं तो मैं सारे अतिव्यापन आपको सिखा दूंगा। अब देखा जाए तो यहां से अगर हम देखें तो यूपीएसआई लगातार 3 बार से आपसे सवाल पूछ रहा है ओवरलैपिंग से, कैसे। तो 0 डिग्री का जो कोण होता है, ओवरलैपिंग जैसे मैंने कहा कि 3 प्रकार की होती है, लेकिन 0 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, तो 0 डिग्री का जो कोण होता है उसके 3 नाम है। पहले तो स्टेटमेंट पूछा गया, दोनों सुइयों के मध्य सीधी रेखा में दोनों सुइयों का सीधी रेखा में संपाती होना। संपाती का मतलब समान रूप से एक दूसरे के ऊपर पतित होना, झुका होना, क्योंकि सीधी रेखा तो 180 में भी बनेगी। जैसे मान लीजिए अगर ठीक 12 बजा है घड़ी में, मैं आपको बताऊं 0 डिग्री कैसे आप कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए घड़ी में 9 बजा है और 9 से 10 के बीच के समय को अगर हम लें यहां पर, तो आप गौर से देखिए ये 9 से 10 के बीच में दोनों सुइयां बिल्कुल एक साथ हो गई। जैसी दोनों सुइयां एक साथ हो गई तो बड़ी सुई जब छोटी सुई पर आरोपित हो जाती है, पतित हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं संपाती सीधी रेखा। एक सुई जब दूसरी सुई को ढक ले तो इसको हम क्या कहते हैं, संपाती सीधी रेखा। तो जब 0 डिग्री का कोण बनता है तो दोनों सुइयां ठीक एक साथ होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, आप इस अवस्था को देख रहे हैं। दूसरी बात, दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में संपाती होती हैं और दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट की दूरी होती है, क्योंकि दोनों सुइयों के मध्य जब कोई गैप नहीं है तो कोई दूरी नहीं होगी, है ना। आप किसी भी वक्त 0 डिग्री देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10 से 11 बजे के बीच में ये घटना फिर एक बार होगी, क्योंकि ये घटना हर घंटे में एक बार होती है। फिर देखिए दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ संपाती हैं, 0 मिनट की दूरी पर है और एक सीधी रेखा में एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है। तो 0 डिग्री को हम 3 नामों से जानते हैं, आप कंफ्यूज क्यों होते हैं। 0 डिग्री का कोण कभी भी एग्जामिनर नहीं कहता, वो कहता है कब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ सीधी रेखा में संपाती हैं, इसका भी मतलब 0 डिग्री है। जब 0 डिग्री बनेगा तो दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर होंगी, ये भी तय है, और एक साथ एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो पहले तो 0 डिग्री को हम 3 नामों से जानते हैं, ये आपको यही जान लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। अब दूसरी बात, जो 0 डिग्री का कोण होता है वो प्रत्येक घंटे में तो बनता है 1 बार, लेकिन 24 घंटे में बनता है 22 बार, और 12 से 1 के बीच में नहीं बनता।
तो 12 से 1 के बीच का समय दो बार आता है, एक बार तो आता है दोपहर में और एक बार आता है मध्य रात्रि में। तो अगर भैया हर घंटे में एक बार बनता है तो 12 से 1 के बीच में नहीं बनता, तो 12 से 1 के बीच का समय कितनी बार आएगा? दो बार, एक बार दोपहर में तो एक बार मध्य रात्रि में। तो 24 घंटे में अगर हर घंटे में एक बार बनता तो 24 बार, लेकिन दो बार नहीं बना तो 24 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनता है? 22 बार। इस स्टेटमेंट को तीन तरीके से आपसे पूछा जाता है। 24 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ सीधी रेखा में संपाती होती हैं? 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर होती हैं? 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां एक साथ एक दूसरे के ऊपर होती हैं? 22 बार। अगर निगेटिव स्टेटमेंट पूछ ले कि 24 घंटे में वह समय बताइए जब दोनों सुइयां कभी भी सीधी रेखा में संपाती नहीं होती, तो आप कहेंगे 12 से 1, क्योंकि 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वह समय बताइए जब दोनों सुइयां कभी भी एक दूसरे के साथ 0 मिनट की दूरी पर नहीं होती, तो आप क्या कहेंगे? 12 से 1। अब जब आपने कहा कि 24 घंटे में 22 बार, तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हमको ये बताइए कि 24 घंटे में तो 22 बार बन रहा है, लेकिन एग्जामिनर ने हमसे पूछ लिया कि 2 से 3 के बीच का 0 डिग्री कब बनेगा, या पूछ लिया 5 से 6 के बीच का 0 डिग्री कब बनेगा, या पूछ लिया 9 से 10 के बीच का 0 डिग्री कब बनेगा। तो जब आप किताबें देखते हैं और टीचर्स के नोट्स देखते हैं तो एक एक पन्ने में इसको सॉल्व कराया जाता है किस फॉर्मूले से? आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स बराबर 0 डिग्री। और माना कि 5:00 x मिनट पर बना, तो ये आवर्स की संख्या है और ये मिनट्स की संख्या है। जब हम इसको हल करते हैं तो आधे पेज का ये सवाल जाता है और आपका उत्तर आता है। मैं आपसे कहता हूं इतना करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताता हूं जिस कॉन्सेप्ट से आपके उत्तर आते हैं। आइए, किसी भी समय का 0 डिग्री हो, पलक झपकते मेरे साथ 0 डिग्री आप हल करिए। आप बस एक की याद रखिए, 60/11। मैं आपको क्लासरूम में बताऊंगा ये कैसे आई। 60/11 में जिन समय के बीच का 0 डिग्री पूछा गया हो, उसमें से जो छोटा समय हो उसका गुणा कर दीजिए। आपने कहा 60/11 × 2 = 120/11। अगर हम इसको सही बटे में बदलेंगे तो ये होगा 10 सही 10/11। अब हमारा ये समय आया 2:10 सही 10/11। तो 2 से 3 के बीच का 0 डिग्री कब बनेगा? 2:10 सही 10/11 मिनट पर। और आप अच्छे से देखते हैं, अगर ये घड़ी है तो 2:10 मिनट पर दोनों सुइयां ऐसे एक सीधी रेखा में होती हैं। कोण कितने डिग्री का? 0। ओरल हो गया। अगर मैंने कहा 5 से 6 तो आप लिखिए 60/11, छोटा समय क्या है 5, बराबर बताओ क्या हो जाएगा? 300/11 हो जाएगा। अब बताओ 11, अब 11 का अगर हम भाग दें तो आप बताइए कितना हो जाएगा? 11 × 2 = 22, कितना बचा? 8 बचा, 80 हो गया। 11 × 7 = 77, 27 सही 3/11। क्योंकि समय के किसी भी यूनिट को दशमलव में नहीं लिखते, सही बटे में लिखते हैं, तो समय क्या हो गया? 5:27 सही 3/11 मिनट। अगर हम गौर से देखें तो 5:27 पर घड़ी की दोनों सुइयां यहां होती हैं, और कोण कितने डिग्री का होता है बताओ? 0 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूं 9 से 10 तो आप क्या कहेंगे? 60/11 × 9 = 540/11। अब बताइए 11 × 44 कितना बचा? 10। 11 × 99 = 49 सही 1/11। तो जो समय हुआ हमारा वो हो गया 9:49 सही 1/11। अगर आपसे पूछा गया कि 2 से 3 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ सीधी रेखा में संपाती होती हैं, तो आप तुरंत लिख सकते हैं 2:10 सही 10/11 मिनट पर। अगर आपसे पूछा जाए 5 से 6 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां 0 मिनट की दूरी पर होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? 5:27 सही 3/11 मिनट पर। किसी भी समय का अब आप मेरे साथ निकाल लीजिए। मैं आपसे कह दूं 10 से 11 बजे के बीच का निकालना है, छोटा समय क्या है? 10। 60/11 × 10 = 600/11। अगर मैं कहूं कि 7 से 8 के बीच का निकालना है, छोटा समय क्या है? 7। 7/60/11 × 7 = 420/11। केवल सही बटे में बदल दीजिए तो मुझे बता दीजिए पेन उठाने की जरूरत कहां पड़ी।
कहां पेन उठाने की जरूरत पड़ी, हम ओरल तो कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं 3 से 4 के बीच का कब बनेगा, छोटा समय क्या है 3, 60/11 × 3 = 180/11 आ तो गया। तो 0 डिग्री की ओवरलैपिंग तो आपकी पलक झपकते हो गई। अब यही प्रश्न जब आपका परीक्षा में आता है तो वहां पर आप अलग अलग फॉर्मूले से परेशान होते हैं और 3 मिनट आप इसमें खर्च करते हैं। मैं ये कह रहा हूं ये तो 3 सेकंड का ही काम है। अगर ये 3 सेकंड का काम है तो आप जितने में 5 प्रश्न को हल कर सकते हैं उतना समय आप 1 प्रश्न को देते हैं। परिणाम क्या होता है, बात के पेपर को आप पूरा पढ़ नहीं पाते। अब मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूं 0 डिग्री का, बताइए। अब बताइए 6 से 7 के बीच का 0 डिग्री कब बनेगा। कसम है वे पेन नहीं उठाना, 6 से 7 के बीच का कब बनेगा बताइए। 60/11 छोटा समय क्या है 6, 360/11 यही तो होगा 360/11। अगर मैं कह दूं बताओ 4 से 5 के बीच का कब बनेगा, छोटा समय क्या है 4, 60/11 × 4 = 240/11 कहां पेन उठा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कहां पेन उठाना है। मैं सारी ओवरलैपिंग को पूरी क्लॉक आपको इसी मेथड से पढ़ा सकता हूं। क्लॉक का कितना भी कठिन सवाल क्यों ना हो, चाहे वो घड़ियों का तेज होना और मंद होना का क्यों ना हो, चाहे वो वाटर इमेज और मिरर इमेज का क्यों ना हो, चाहे वो फॉल्टी क्लॉक का क्यों ना हो, 2 सुइयों के बीच के कोण का क्यों ना हो, इस सवाल को कलम नहीं उठवाऊंगा, वादा रहा। कैलेंडर में आते हैं, कैलेंडर से आप लोग बहुत परेशान होते हैं। जैसे एक सवाल है कैलेंडर में जिसको हम कहते हैं समान वर्ष वाले वर्ष। ऐसे 2 वर्ष जिनके कैलेंडर एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, ऐसे 2 वर्षों को हम क्या कहते हैं, समान वर्ष वाले वर्ष। समान वर्ष वाले वर्ष हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने कहा कि 2014 का कैलेंडर क्रिसमस के कैलेंडर के समान था दिए गए वर्षों में। या हमने कठिन प्रश्न पूछा कि शर्मा जी का विवाह 7 मई 1970 को हुआ था, इस दिन सोमवार था, शर्मा जी फिर कब सोमवार के ही दिन अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे। तो जब 2 वर्षों का कैलेंडर एकदम हूबहू एक दूसरे के समान हो जाए पहले वर्ष से लेकर अंतिम वर्ष तक, तो ऐसे वर्ष को हम समान वर्ष वाले वर्ष कहते हैं। हम बड़े बड़े रिमाइंडर लगाते हैं, हम बड़े बड़े रिमाइंडर निकाल के समान वर्ष वाला वर्ष निकालते हैं। मैं आपसे बहुत आसानी से कह रहा हूं, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है समान वर्ष वाले वर्ष, देखिए ईयर्स की संख्या में दे दीजिए 4 से भाग। ईयर्स की संख्या क्या होती है, बाद के 2 अंक। ध्यान से मेरे साथ बने रहिए, बाद के 2 अंक कुछ लेके जाइए आज। तो अब ईयर्स की संख्या में 4 से भाग दे दीजिए। ईयर्स की संख्या जैसे मैंने कहा 2014, तो 2014 में ईयर्स कितने होंगे 14। अब यहां पे आपको देखना है शेषफल। देखिए एक ही तरीके से पूरा, अगर शेषफल 1 आए तो 6 वर्ष का अंतर ले लीजिए, अगर शेषफल 2 आए तो 11 वर्ष का अंतर ले लीजिए, अगर शेषफल 3 आए तो भी 11 वर्ष का अंतर ले लीजिए, और अगर शेषफल 0 आए तो 28 वर्ष का अंतर ले लीजिए। कभी भी आपका यह सवाल गलत नहीं होगा। अब आप गौर से देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने कहा कि 2014 या आप जिस वर्ष में है, 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, ईयर्स की संख्या कितनी है 19, बताओ 19 में 4 का भाग दे दो, 4 × 16 कितना बचा 3, 3 जब शेषफल बनता है तो कितने वर्ष बाद 11, अब 19 में 11 जोड़ दो, 19 में 11 जोड़ोगे तो कितना होगा 30, तो 2030 का कैलेंडर गूगल पर सर्च कर लीजिए और 2019 का कैलेंडर सर्च कर लीजिए। आज कौन सा दिन है, जो दिन जिस तारीख को आज होगा वही दिन उसी तारीख को 2030 में भी होगा, कोई रिमाइंडर चेक करने की जरूरत नहीं है, जाइए सवाल हो गया। जैसे देखिए मैं आपसे कहूं 2016 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के बराबर होगा, तो बताओ ईयर्स की संख्या कितनी है 16, 16 में 4 का भाग दे दीजिए, शेषफल कितना हो गया 0, और 0 का मतलब कितना 28 वर्ष, तो 2016 में आप 28 को जोड़ दीजिए और 2016 में जब आप 28 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2044। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, 2044। अब इतना याद रखना है कि बाद के 2 अंक को ईयर्स कहते हैं, ईयर्स में किससे भाग दीजिए 4 से, अगर शेषफल 1 आए तो 6, 2 आए तो 11,
कोई भी सवाल अब मैं आपको दे दूं ओरल हो जाएगा, चलिए मेरे साथ करिए। मैंने कहा 1526 का कैलेंडर बता दो किस वर्ष के कैलेंडर के बराबर होगा, आपने कहा कितने हैं 26, 4 का भाग दे दो कितना बचा शेषफल 2, 2 का मतलब कितना जोड़ना है 11, 11 जोड़ दीजिए तो बताइए 1537 का कैलेंडर और 1526 का कैलेंडर एक दूसरे के बिल्कुल क्या होगा, एक समान होगा। मैंने कहा भैया 2007 है, 2007 में ईयर्स कितने हैं 7, 4 का भाग दे दो 4 एकम 4 कितना बचा 3, 7 में 11 जोड़ दो क्योंकि 3 आता है तो कितना होता 11, तो कितना हो गया बताओ 2018 हो गया। चलिए मैंने कहा भैया बता दो 2013, चलो बताओ 2013 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, बिना पेन उठाए बताना। अब ओरल 13 में अंक कितने हैं, वर्ष कितने हैं 13, 4 का भाग दीजिए शेषफल कितना बचा 1, और जब जब 1 बचता है तो बताओ कितना 6 वर्ष, तो बताओ 1 बचा तो 6 वर्ष, तो 13 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा 2019, तो 2019 और 2013 का कैलेंडर एक दूसरे के क्या होगा बराबर। इतने बड़े बड़े सवाल यूपीएसआई ने इस पर पूछे हैं, दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1907, 1918 और 1901 में किया। दादाजी फिर जिस वर्ष इस कैलेंडर का प्रयोग करने वाले थे प्रथम मई के प्रथम दिन उनका देहांत हो गया, बताइए दादाजी इस कैलेंडर का प्रयोग किस वर्ष करने वाले थे, तो 1901 में किया, 1 में जब 4 का भाग दोगे शेषफल 1 तो 1907 में किया, 1918 में, क्योंकि वो समान वर्ष वाले वर्ष का कैलेंडर प्रयोग कर रहे थे। अब 1918 का जब कैलेंडर हम देखेंगे तो फिर हम किसका भाग देंगे 4 का, शेषफल कितना आएगा 2 और 2 का मतलब 11, तो अब 1929 में वो देखने वाले थे लेकिन वो चले गए। इबारत वाले सवाल जो डिड़ आपके चार चार पांच पांच लाइंस के होते हैं चुटकियों में हम हल कर सकते हैं, बताइए आप बताइए। अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां पर कि 1920 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा क्या बताएंगे, बताइए 1920 का मतलब ईयर्स की संख्या कितनी है 20, 4 का भाग दे दीजिए शेषफल क्या आया 0 और 0 का मतलब कितना जोड़ना है 28, कितना हो गया 2000 सॉरी कितना हो गया बताइए, फिर से देख लीजिए 1920 बताइए ईयर्स कितने हैं 20, किसका भाग देंगे 4 का, कितना आया 0, 0 का मतलब कितना 28, तो 1920 में जब 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1948, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 1948, चेक कर लीजिए। अब 2019 का कैलेंडर अभी मैंने निकाला तो समान वर्ष वाले वर्ष ओरल हो गए, 0 डिग्री की ओवरलैपिंग ओरल हो गई, तो अगर समान वर्ष वाले वर्ष 0 डिग्री की ओवरलैपिंग ओरल हो गई, अब पिछले 3 पेपर उठा के देख लीजिए यूपीएसआई के, देखिए प्रश्न आए हैं कि नहीं आए, तीनों वर्ष आए हैं, तो मैं ये कहता हूं कि इससे पहले जो 1.5 मिनट खर्च करके लगाते थे आज लगाने की जरूरत क्या है। अब मैं दोनों सवालों को अगर एक साथ कंबाइंड कर लूं, जैसे चलिए मैं आपसे कहूं भैया ये बता दो 5 से 6 बजे के बीच का 0 डिग्री, तो क्या कहोगे 60/11 × 5 खत्म बराबर 300/11 हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बता दो यार 1840 का कैलेंडर किसके बराबर होगा, 40 में 4 का भाग दे दीजिए कितना आएगा बताओ, यहां पर शेषफल कितना आएगा 0 और 0 का मतलब कितना होता है 28, 28 जोड़ दो 40 और 28 क्या हो जाएगा 68, तो आप क्या कहेंगे 1868 हो गए, दोनों सवाल तो हो गए, कहां कलम उठाने की जरूरत पड़ेगी। अब ये तो तब है जब आपने मैंने पहली बार डिस्कस किया, अगर प्रैक्टिस सेट में आप मेरे साथ कर लीजिए आनंद आ जाएगा आपको, रीजनिंग का कोई सवाल लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग का कोई सवाल गलत नहीं होने दूंगा। मेरे पास संदीप भाई की क्लास है वो भी आ रहे हैं, देखिए जलवा मैथ का, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब देरी मत करिए सही दिशा में जाने के लिए, अब देरी मत करिए, बस आइए, प्रवेश प्रारंभ है, प्रक्रिया शुरू में बताई है, और देर मत करिए क्योंकि इस बार वर्दी पहन के जय हिंद बोलना ही बोलना है चाहे जो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, नमस्कार।